जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण। आज मैं इस तरह की माला बनाने के सिखाऊंगी। इसके लिए हमें चाहिए कमल वाला पदक और दो ये पीछे वाला पदक चाहिए, पिंक मोती चाहिए, वाइट मोती चाहिए, धागे बनाने के लिए धागे की रील चाहिए, परछिंदे के लिए ब्लैक कलर का धागा लिया है और काटने के लिए कैंची ली है। इस तरह हम पदक में स्टार्ट करने जा रही हूँ माला बनाने के। तो पहले हम व्हाइट कलर के मोती लेंगे, फिर पिंक कलर के एक मोती लेंगे, फिर से व्हाइट कलर के एक मोती लेंगे और फिर से पिंक कलर की एक मोती लेंगे। कुल चार मोती हमने ले लिया है, आप देख सकते हो। अब हमें व्हाइट कलर के जो हमने पहला मोती लिया है उसमें से हम सुई निकाल लेंगे। व्हाइट कलर का मोती लिया है उसमें से सुई निकाल लेंगे। इस तरह का बन जाएगा, इस तरह की चुकठी बन जाएगी। अब हम पिंक कलर के मोती में से सुई निकालेंगे और व्हाइट मोती में से सुई निकालेंगे। हमने व्हाइट मोती ऊपर का है वहां तक पहुंचना है, तो व्हाइट मोती में से सुई निकालेंगे, फिर एक पिंक लेंगे, एक व्हाइट लेंगे, फिर से एक पिंक लेंगे और जो ये व्हाइट वाला मोती है उसमें से फिर से हम सुई निकाल लेंगे। इस तरह का दोनों साइड पिंक आएगा और बीच में व्हाइट रहेगा। फिर से हम पिंक मोती में से जिस तरह हमारा धागा रहता है उसी तरह से हम पिंक मोती में से सुई निकालेंगे और फिर से व्हाइट मोती में से सुई निकालेंगे। फिर से एक पिंक लेंगे, एक व्हाइट लेंगे, फिर से एक पिंक लेंगे और जो है धागा इस तरह है तो इस तरह से हम उल्टी साइड से सुई निकालेंगे। फिर से हम पिंक मोती में से सुई निकालेंगे और व्हाइट मोती में से सुई निकालेंगे। फिर से पिंक लेंगे, व्हाइट लेंगे और फिर से पिंक लेंगे और हमारा धागा इस तरफ है तो उनकी उल्टी साइड से हम सुई को निकालेंगे। इस तरह हर बार हमें दो पिंक और एक व्हाइट और बीच में व्हाइट रहना चाहिए। इसी तरह हम आगे तक 15 तक ये मोती जो पिंक है वो 15 बन जाए, ये पिंक मोती है वो 15 तक आ जाए, इसकी लाइन बनाते जाएंगे। इस तरह मैंने 15 तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम ये कमल वाला पदक लगाएंगे। तो हम यहाँ जो ये कमल वाला पदक बीच में भी होल है और साइड में भी होल, तो हम साइड में से सुई निकालते हैं इसी तरह। फिर हम ये जो बाजू वाला काना है ऊपर वाला काना उसमें से सुई निकालेंगे इसी तरह। अब हम ये पिंक मोती है उसमें से सुई निकाल लेंगे, जो पिंक मोती है उसमें से सुई निकाल लेंगे। अब एक व्हाइट लेंगे और एक पिंक लेंगे और ये मोती है उसके साइड वाला पिंक मोती में से सुई निकालेंगे। हमने व्हाइट और पिंक लिया था और ये पिंक में से और ये बाजू वाला पिंक में से सुई निकाली। और फिर से हम एक व्हाइट लेंगे और एक पिंक लेंगे और फिर से जो ये वाला पिंक है उसमें से और बाजू वाला पिंक में से सुई निकालेंगे इसी तरह। फिर से हम एक व्हाइट लेंगे और एक पिंक लेंगे और ये व्हाइट वाला मोती है साइड वाला उसमें से और पिंक वाला मोती में से और तीन मोती में से बाजू वाला पिंक मोती तीन मोती में से सुई निकालेंगे, आप देख सकते हो इसी तरह। फिर से हम एक व्हाइट लेंगे, फिर से हम व्हाइट और ये धागा वाला पिंक मोती है जिसमें से धागा निकला है वो और उसके पास वाले पिंक मोती में से सुई निकालेंगे इस तरह। फिर से हम एक पिंक लेंगे, एक व्हाइट लेंगे और एक पिंक लेंगे और फिर से व्हाइट
और धागा वाला पिंक और पास वाला पिंक, तीन मोती में से सुई निकाली है। इसी तरह हम यहाँ तक पहुँचाएंगे, आप देख सकते हो यहाँ तक पहुँचाएंगे। अब हम लास्ट पिंक तक यहाँ धागा मैंने निकाला है, आप देख सकते हो। तो फिर से हम एक वाइट लेंगे और एक पिंक लेंगे लास्ट में आप देख सकते हो। फिर हमें वाइट और ये धागा वाला पिंक है वो एक ही मोती बचा है उसमें हम सुई निकालेंगे। इस तरह यहाँ कंप्लीट हो जाता है, ये हमारा पूरा पटा कंप्लीट हो गया है। अब मैं इस तरह का पदक लगाऊंगी, तो ये पास वाला वाइट मोती है, बीच में पिंक मोती में हमारा धागा है। अब तो पास वाला वाइट मोती है उसमें से हम सुई निकाल लेंगे। फिर आपको इस तरह पहले रख लेना है, और जो ये नकल उल्टा आ जाएगा आपके, तो ये वाला है होल उसमें से सुई निकालेंगे और पास वाला होल में से सुई निकालेंगे। इस तरह आप इस तरह की पट्टी बनाओ तो ऐसा दो होल वाला ही पदक लेना, तो ही अच्छा लगेगा और फिटिंग आएगा। और फिर हमने पास वाले होल में से सुई निकाली, फिर ये जो व्हाइट दो मोती पास पास आ गए हैं उसमें से वापस सुई निकालेंगे इस तरह। जो ये हमारा अच्छी तरह से पदक बैठ गया है यहाँ पे लास्ट तक। फिर से हमें ये जो होल है हमारा जिस तरफ जहाँ पे सुई निकली है वही होल में से फिर से हम एक बार मजबूती के लिए हम फिर से धागा काट होल में से निकाल लेंगे, फिर पास वाले होल में से निकाल लेंगे। दो बार निकाले तो हमारी माला टूटती नहीं है और अच्छी तरह से फिटिंग हो जाता है। फिर से ये दो मोती है उसमें से हम सुई निकाल लेंगे। अगर आपको जिस भी साइज का बनाना है तो इस साइज का आप बना सकते हो। आपका काना जिस साइज का हो उस आप एक इंच तक की इतनी भी बना सकते हो। और ये तीन इंच की है, दो जिस तरह का अपना काना हो, नाना मोटा बड़ा, उस तरह का आप बना सकते हो। और आपको अगर ये परचेस करना है, हमने इस एक साइड का बनाया है इसी तरह, ये देख सकते हो दूसरी साइड भी इसी तरह बनाना है, फिर ये माला कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको मेरी माला पसंद आई हो और आपको लेना हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया है। और ये कलर में बन जाती है, ये कमल पांच कलर में आता है, दुधिया, स्काई, वाइट, रेड, रानी रेड है और पिस्ता। इस तरह का पांच कलर में आता है। आपको जिस तरह का मटेरियल अगर माला का चाहिए तो भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, और अगर माला पूरी चाहिए तो भी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जाकर मुझे कॉल कर सकते हो। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और धन्यवाद।